एक साल 4G इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हो चुका है और इस बीच अब पार्लियामेंट्री पैनल इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है इन्हें बहाल करने या ना करने और इसके अवाम पर असरात, एक साल जब मोबाइल इंटरनेट 4G खिदमात बन रही हैं तो अवाम पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, इसे लेकर पार्लियामेंट्री एक पैनल 30 लोगों पर जो मुश्तमिल है वो बहुत जल्द 1 सितंबर को यानी इसी हफ्ते अगले हफ्ते जो है वो मीटिंग करने जा रहा है। 4G का मामला जो है उस पर बातचीत होने वाली है और पार्लियामेंट्री पैनल जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का के साथ वाबस्ता है उसके साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अफसरान और सरकार के मरकजी सरकार के जहां पर मरकजी वजारत दाखिला और वजारत मवासलात के जो नुमाइंदे होंगे वो भी इस पैनल के सामने अपनी रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट रखेंगे जिनमें यह बताने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद क्यों की गई और उसके बाद इसके असरात अवाम पर क्या पड़े। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी बताते चलें कि डिपार्टमेंट ये जो पैनल है इसमें भारतीय जनता पार्टी के रुकन भी हैं वो इस निशिकांत दुबे जो कि मेंबर पार्लियामेंट है बिहार से झारखंड से वो इस पैनल से अलग हो गए हैं, उन्होंने इस मीटिंग की मुखालफत की है। उनका ये मानना है कि जब पूरा मामला इस वक्त अदालत उज़्मा के सामने है भारत के सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर बातचीत करना सही नहीं है और सही वक्त पैनल की तरफ से नहीं चुना गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस टीएमसी के कारकुनान भी शामिल हैं, लीडरान शामिल हैं और इसमें एमपी शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर जो कि इस पैनल को हेड कर रहे हैं उनकी सरबराही में ये इजलास 1 सितंबर को पैनल की मीटिंग दिल्ली के अंदर होने जा रही है।